नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के जेएसी स्टेडियम में। भारतीय टीम अभी प्रैक्टिस करने ग्राउंड पर आ चुकी है और प्रैक्टिस से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुमन गिल आए। सुमन गिल ने अपने यंग प्लेयर्स के बारे में काफ़ी कुछ कहा और जैसा मैच चल रहा है मैच के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा कि मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं और यंग जो जनरेशन है, यंग जो प्लेयर आए हुए हैं, उनके पास काफ़ी अच्छा मौका है अभी अपने आप को प्रूव करने के लिए। पहले इस मैच में वो 2-1 से लीड पर हैं और यहाँ पर जीत के साथ वो इस सीरीज़ को अजय बढ़त मनाना चाहेंगे। जेएसी स्टेडियम की अगर बात करें तो भारत ने यहाँ पे 2 टेस्ट मैच खेले हैं। पहला मैच 2017 में खेला गया था जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला गया था और वो मैच ड्रॉ रहा था। दूसरा मैच 2019 में खेला गया था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, जहाँ पर भारत ने वो मुकाबला पारी और लगभग 202 रन से ये मुकाबला जीता था। तो यहाँ पे जीत के साथ यहाँ पे जो रिकॉर्ड बोले टेस्ट में, तो टेस्ट में रिकॉर्ड भारत का काफ़ी अच्छा है। अभी हर इनिंग में हर बैट्समैन तो रन नहीं कर सकते हैं, हर किसी का दिन होता है। तो जो हमारा फर्स्ट मैच था वहाँ पे 3 लोगों ने 80 रन बनाए। सेकंड मैच में शस्त्री ने 200 किया, पिछले मैच में रोहित भाई ने फर्स्ट इनिंग में 100 किया, लड्डू भाई ने 100 किया। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बैट्समैन रन बना रहे हैं, आई थिंक सभी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तभी टीम का 400 के आसपास हर इनिंग स्कोर। विराट नहीं है कोई ऐसा सर? आई थिंक तीन मैच से वो हमारे साथ नहीं है। ऑब्वियसली विराट भाई जैसा किसी भी टीम में अगर नहीं हो तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है, बट आई थिंक इस हिसाब से उनकी जगह पे जैसे सरफराज के लेकर उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। तो प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस वजह से अगर आई थिंक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सुपर सीरीज से पहले बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी उस लिहाज से, अब तक सीरीज के जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया सारे एपिसोड में दे एक्सप्लोर्ड आ उस कॉन्टेक्स्ट में कितना इंपॉर्टेंट रहा आप लोगों के हिसाब से, किस तरह की बातचीत स्पेशली एज यू सेड विराट वाज मिसिंग, एडिड रिस्पांसिबिलिटी थी राहुल द्रविड़ ने या रोहित शर्मा ने, किस तरह की बातें द वे एवरीवन हैज परफॉर्म सो फार, कि क्या लुक बैटर सर? आई थिंक फर्स्ट मैच में हमारी जो बात थी काफ़ी सारे, अगर आप हमारा स्कोर कार्ड देखते हैं काफ़ी सारे प्लेयर को स्टार्ट होता था, हर किसी और 50 बॉल के आसपास खेले थे, 3 90 थे, शस्त्री ने 80 समथिंग किए थे, जट्टू भाई ने किए थे, केएल भाई ने किए थे। तो पहले मैच के बाद हमारी बात ये थी कि इसकी एक या दो बैट्समैन को लंबा स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी सबको मिली बट ऐसे लंबा स्कोर हो नहीं पाया। तो उसके बाद बात ये थी कि जिसको सेट होता है तो अगर कोई बैट्समैन 150-200 लंबा बड़ा हंड्रेड करता है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है दूसरी टीम में भी और अपनी टीम में। तो वही बात चल रही थी जो बैट्समैन सेट है वो लंबा खेलने को देखे, 150-200 रन। इंडिया में हमने देखा है कि फोर्थ इनिंग्स में आप फर्स्ट इनिंग में जितना लंबा स्कोर कर लें उतना आपके कैचर को भी पता नहीं है, फोर्थ डे फिफ्थ डे मुश्किल रहती है कोई भी टीम को खेलने। सर एक क्वेश्चन है कि पिछला जो 2 मैच यहाँ हुआ जैसे एक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ, तो दोनों में पिच काफी टर्निंग विकेट रहा, तो इस बार आप लोग का अगर इस तरह से रहता तो क्या रणनीति आप लोगों को डाली? सर इंडिया में जहाँ भी हम खेलते हैं विकेट स्पिनर्स को थोड़ा हेल्प रहता ही, तो रणनीति जो हमारे पिछले मैचेस में खेलते हैं आई थिंक सेम डिपेंड करता है कि कौन जीतता टॉस, अगर वो बैटिंग करता है तो हिसाब से हम बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे फास्ट बॉलर्स हैं बहुत ही अच्छे, आपने बोला कि स्पिन को असिस्टेंस रहती है, स्पिन को मदद मिलती है, बट आई थिंक इस हिसाब से स्पिनर्स तो हमारे हमेशा यहाँ पे ऐश भाई जट्टू भाई सब विकेट लेते हैं और इतना अच्छा करते हैं, बट जिस हिसाब से हमारे फास्ट बॉलर्स एक सीरीज में बॉलिंग की है आई थिंक वो डिफरेंस रहा है। आपके जो मेन विकेट टेकर बॉलर है बुमराह रेस्ट में, तो इस तरह आप क्या होगा बुमराह के नहीं रहने से टीम में कितना फर्क पड़ सकता है? सर जैसे विराट भाई की बात करती हूँ, उनका टीम में जिस भी टीम में खेलते हैं अगर वो टीम में नहीं है तो ऑब्वियसली टीम में वैसा प्लेयर अगर कोई टीम मिस कर दिया तो बहुत बड़ी बात होती है। सेम ही मुंबई के लिए वो हमारे बॉलिंग अटैक को फास्ट बॉलिंग अटैक को ट्रीट करते हैं, बट आई थिंक इस हिसाब से सिराज ने पिछले इनिंग में बॉलिंग की 4 विकेट निकाले
और बहुत ही क्रूशियल टाइम पे चार विकेट निकाले, तो आई थिंक सब बॉलर्स को एक्सपीरियंस है इंडियन कंडीशन में बॉल डालने का, रिवर्स में डालने का। लाउडी बेटर है अपनी सर इट्स ऑफ इजी सुमन आप तो वाइजेक्स के वो को टॉयल और फ्लावर्स स्पाइस कर रहे हैं यू फील लॉट मोर कंपोजर सेट इन 1994। तो मुकाबले से पहले सभी प्लेयर यहां पहुंचे हुए हैं रांची के जेएससी स्टेडियम में। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने काफ़ी पसीना बहाया था, यहां फील्डिंग प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं। शुभमन गिल थे, वाशिंगटन सुंदर हैं, सरफराज सबसे पहले नीचे आए थे और प्रैक्टिस करते दिखे थे। अभी वाशिंगटन सुंदर, सर मोहम्मद सिराज, ये सारे प्लेयर अभी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस से जस्ट पहले शुभमन गिल ने क्या कहा वो भी आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। तो 23 से 27 फरवरी तक ये चौथा टेस्ट मैच खेला जाना है रांची के जेएससी स्टेडियम में। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पे किए गए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें लगातार। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।